गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है काले मेघा पानी दे। काले मेघा पानी दे, जिसके लेखक हैं आप सब जानते हैं। ये पाठ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कौन है लेखक? धर्मवीर भारती जी। इसके लेखक कौन है? धर्मवीर भारती जी। और पाठ का शीर्षक है काले मेघा पानी दे। जी जो है उस लेखक को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह समझता नहीं है कि हमारे रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति भी हमारे लिए आवश्यक हैं। आप यह भी जानते हैं कि भले लोग जो है रूढ़िवादी कहते हैं, लेकिन वो संस्कृति और वो परंपरा ही हमारी पहचान है। जी जो है चुप हो जाती है, और फलस्वरूप यह भी होते हैं कि जी के समझाए हुए बात जो है लेखक को बाद में समझ आता है। जब यह मेढक मंडली या इंद्र टोली जो है, इंद्र सेना जो है, जब भी पानी मांगने जाता था तो बोल गंगा मैया की जय कहकर पहले जो है जय घोष किया करता था। बोल जय गंगा मैया की जयकारा लगाते हुए लोग जो हैं गांव में घुमा करते थे, उनकी टोली गांव में घुमा करते थे, और जय घोष सुनकर ही लोग जो अपने घरों से निकलते थे और बाल्टी बाल्टी पानी जो उनके ऊपर उड़ेलते थे, डालते थे। लेकिन लेखक जो है इस बात को नहीं मानता था, क्योंकि लेखक का विचार जो है आधुनिक विचारधारा का है, और इन सारे परंपराओं को वह जो है दक्यानुषी या रूढ़िवादी समझता है। कहने लगता है कि फल यह सब ढकोसला है और यह सब केवल दिखावा है। फिर जी बोली, देखो तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा, पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंकता है, उसमें डालता है, उसे बुआई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इस पर फेंकते हैं, वह भी बुआई ही है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। भैया, यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है, यथा राजा तथा प्रजा। सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यह यथा प्रजा तथा राजा, यही तो गांधी जी महाराज भी कहा करते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस हो गए हैं, आज लेखक सोचता है कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने के बाद भी हमें अपनी देश के संस्कारों की समझ अभी तक नहीं आई है। हमारी स्थिति मांगने की तो हर समय बनी रहती है, किंतु त्याग करने से हम पीछे हट जाते हैं। लेखक कहता है कि आज आदमी अत्यधिक स्वार्थी हो गया है। ये बातें लेखक के मन को कचोटती है। इन चारों ओर फैल रहे भ्रष्टाचार को लेकर बातें करते हैं, लेकिन कभी यह नहीं देखते कि हम भी तो भ्रष्ट नहीं हैं, हम भी तो भ्रष्ट के शिकार नहीं हैं या शिकार नहीं बन रहे हैं। यदि हम सोचें तो एक स्तर पर हम सभी स्वयं को उस भ्रष्टाचार के अंग बना हुआ पाते हैं। काले मेघ पानी दे, काले मेघ दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी ही है, बैल प्यासे के प्यासे ही रह जाते हैं, आखिर कब बदलेगी यह स्थिति। लेखक इन्हीं सब प्रश्नों को स्वयं इन्हीं प्रश्नों के बीच में लेखक जो है स्वयं को घिरा पाता है। वास्तव में आप यह जानते हैं कि बड़ी मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है, पर त्याग का कहीं नाम निशान देखने को नहीं मिलता है। स्वार्थाज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, लेकिन कभी अपने विषय में विचार नहीं करते कि हम भी कहीं तो भ्रष्ट नहीं हो गए हैं।
काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं पानी मांगने के लिए, लोग उसे मेढक मंडली कहते हैं या इंद्रसेना कहते हैं, लेकिन बेचारे जो है निस्वार्थ भाव से उस परंपरा को सहेजने का प्रयास करते हैं, उस परंपरा को बनाए रखने का प्रयास करते हैं जिस पे लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है। ठीक है, लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है, लेकिन लेखक नए विचारधारा के कारण बात को नहीं समझ पाता है। और आज 50 वर्ष बाद उसे ये बात समझ आया है, तो लेखक जानता है कि वास्तव में कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, भ्रष्ट से लिप्त लोग हैं दुनिया में, जो केवल अपने स्वार्थ की सोचते हैं, दूसरों के हित की बात नहीं सोचते हैं। तो आज के इतना ही, धन्यवाद, बाकी बाद में देखते हैं।